हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग मैग्नेटिक कंपास की मदद से डायरेक्शन कैसे मालूम कर पाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि पृथ्वी के इनर स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर और आउटर कोर। दोस्तों, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में होता है जबकि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है। और ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। हमारे पृथ्वी के आउटर कोर में आयरन, निकल, अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण आउटर कोर में मौजूद लिक्विड आयरन, निकल, उनके सभी पार्टिकल्स यानी कि आयन्स भी मूव करते हैं। और इसी आयंस के मूवमेंट के वजह से हमारे पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम लोग मैग्नेटिक कंपास के मदद से डायरेक्शन मालूम कर पाते हैं। और दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जिसे हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, दरअसल में वो पृथ्वी का साउथ डायरेक्शन होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो इसी पर बनाऊं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।